कितना डेंजरस लग रहा है, पर भाई क्यूट ही बहुत है सही में, मुझे तो मज़ा आ रहा है। आप लोग बताओ अपनी राय, क्यूट है नहीं है। वैसे जो इन पिल्लों की भाई ओनर है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे सोनिया गांधी। मैं फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता, बट बिल्कुल ऐसी लग रही है भाई सोनिया गांधी जैसी ना, कॉपी एकदम। वैसे यहाँ से इटली भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्या पता सोनिया गांधी बैठी हो भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice. To me, it's still the same. If I don't. तो अभी मैं लिपावारा मेट्रो स्टेशन पहुंच गया था। पहले मुझे जाना है एक बार प्रिज्मा, वहां से कुछ सामान लेना है। नहीं प्रिज्मा नहीं, के मार्केट। जो सामान लेना है वो के मार्केट में मिलेगा। तो प्रिज्मा के सामने वाली मार्केट के मार्केट है। ये देखो अलिप्पा इधर भी है, लेकिन ये थोड़ी महंगी रहती है प्रिज्मा से ना। ये देखो भाई इधर एलिसा की शॉप है, यहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं एलिसा से रिलेटेड। मोबाइल वगैरह ले सकते हो आप, काफ़ी सारे सामान है। मतलब भाई मैं कई बार आ चुका हूँ सेलो मॉल, लेकिन मैं अभी भटक जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ से घुसना है कहाँ निकलना है। अब मुझे प्रिज्मा नहीं मिल रहा, वो रहा प्रिज्मा भाई। Well, I hope that you know that पता नहीं मैं ऊपर क्यों आया था, अब फिर से नीचे जा रहा हूँ। भूल भुलैया है भाई, एकदम भूल भुलैया। बहुत बड़ा है ये सेलो मॉल, मतलब बहुत बड़ा, बहुत। बोरी भाई के मार्केट ना, सिटी मार्केट। अच्छा के सिटी मार्केट है, सामने प्रिज्मा है और उसी के सामने। तो मुझे प्रिज्मा का रास्ता पता था और मुझे ये पता था के मार्केट इसके सामने है, तो मैं यहाँ से आया हूँ इसलिए। She is helping me to. Okay. She was guiding me to reach ice cream section. Ice cream लेनी है मुझे एक। मैंने जो है निकली घर पे खाई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो वो कैरामल फ्लेवर वाली है। पूरा का पूरा देखो आइसक्रीम सेक्शन है, बड़ा बहुत बड़ा है। यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी फेमस है फिनलैंड की, तो वो मुझे आइसक्रीम दिख गई है जो मुझे चाहिए। और वो आइसक्रीम भाई ये वाली है जो मेरे को लेनी है भाई, आई थिंक यही है ये वाली। ओके ये काफ़ी बढ़िया लगी थी, और आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये लेकर चलते हैं सुनामा भाई के घर पे, शिवानी को भी और सुनामा भाई को भी काफ़ी अच्छी लगेगी ये। पता नहीं उन्होंने कभी खाई है नहीं खाई है, तो लेकर चलते हैं, देखते हैं उनकी जो है रिएक्शन लेंगे कि कैसी लगती है ये। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। यप, तो भाई ले लिया आइसक्रीम, अभी चलते हैं जल्दी से, बहुत लेट हो गया। पता कितने बज गए अभी? नहीं 8:05 हो गए, और मेरे पास शिवानी का बहुत पहले मैसेज आ गया था 4 कि घर पे आ जाना आज रात को। तो अभी जल्दी से चलते हैं बिना किसी देरी करे। भाई ये भाग रहे हैं, बस आगे खड़ी हुई है ये भाग रहा है कि किसी तरह पकड़ ले उस बस को, देखते हैं पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी आज ये। मुझे लग रहा है बस वाले ने देख लिया, तो इसलिए बेचारा रुका हुआ है इन लड़कियों के लिए, बेचारी लड़कों के लिए, क्योंकि बस वाले ने देख लिया तो ये बेचारी लड़कियां हैं, वो नहीं बस वाला, तो वो तो अच्छा है। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? नहीं भाई पैदल ही निकलना पड़ रहा है सुनामा भाई के। अगर मैंने बस का टाइम देखा, बस का ज्यादा टाइम लग रहा है पैदल के मुकाबले। बस पूछा रही थी मेरे को 8:38 पे, और अगर मैं पैदल जाऊंगा तो 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि बढ़िया भूख भी हो जाएगी और 8 बच भी जाएंगी, तो अभी चलते हैं पैदल पैदल। बस ये दिक्कत है बारिश ना होने स्टार्ट हो जाए, फिर मेरा ये डिसीज़न मुझे रेगरेट करना पड़ेगा पैदल जाने का। तो अभी जल्दी चलते हैं, क्या होगा। अरे हवा इतनी तेज चल रही है, खंबा हिल रहा है। ये खंबा फ्लैग होस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अभी तो झंडा उतारा हुआ है फिनलैंड का, इन्होंने नहीं इस पर झंडा रहता है। ये देखो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है, तो थोड़ी दूर है, थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि सुनामा भाई का मेरे घर से इतना पास रास्ता है। मैं अपने घर के सामने से आया हूँ, जहाँ पे मेरा घर है देखो वो दिख रहा है पी पार्किंग, उसी के सामने वाला गेट है। तो अभी ऊपर चलते हैं भाई, जहाँ पे अपार्टमेंट भी है, लोकेशन एकदम प्राइम है, सब कुछ 300-400 के अंदर ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ है, तो ये बढ़िया है भाई। मैं आते जाते किसी को भी हाय कर देता हूँ, किसी को भी ऐसे मनाया हाय, बस ऐसे ही चल रहा है।
आधा तो मेरा टाइम ऐसे पास हो जाता है, मज़ा आता है रोड पर चलते हुए। कोई ट्रेन में देख रहा है, हाय कुछ भी, मतलब मैं एस्केलेटर पर आ रहा था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक लेडी मुझे देख के हंस रही थी, मैंने कहा हाय। तो सही है यार, इंडिया में अगर किसी को ऐसे हाय कर दो रैंडमली, पहले तो वो देख के दो मिनट सोचेगा कहीं मैं इस बंदे को जानता तो नहीं, या कहीं मुलाकात तो नहीं हुई पहले से। देखो कितना एक्सटेंडेड वर्जन है गाड़ी का, ये एक्सटेंडेड मतलब छोटी गाड़ी को लंबी कर देते हैं भाई, जैसे इंडिया में इंडिका को इंडिगो बना दिया था, तो यहाँ पे हर गाड़ी का आपको एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाएगा, क्योंकि अभी लोग बाग काफ़ी घूमते हैं तो बैग वैग लगेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये जानबूझ के छोटी गाड़ियों को लंबी कर देते हैं ताकि लोग बाग उन्हें खरीदें, क्योंकि प्रिफ्रेंस उनकी बढ़े कि सामान आप ज़्यादा लेके जा सकते हो, तो ये गाड़ियों को इसलिए लंबा कर देते हैं बहुत। सनावर भाई बिल्कुल जंगल में रहते हैं, देखो क्या घना जंगल है भाई, ओ भाई साहब ये देखो, ओ भाई यहाँ की तो फीलिंग और वाइब्स ही अलग है भाई। वैसे सही बताऊँ मेरे को ना ऐसी जगह में ज़्यादा मज़ा आता है रहने में, जंगल वंगल में भाई साहब घोर जंगल, एडवेंचर अलग ही होता है। पहुँच गया मैं यहीं कहीं है घर भाई का, इस बिल्डिंग में होगा, अब मैं भूल गया काफ़ी दिन हो गए जब आया था। एग्जैक्ट 8:30 पे पहुंच गया भाई। अरे अरे कौन सा है, मैं COD है यहाँ पे, COD लिखे हैं। अच्छा वो रे सनावर भाई किधर से आऊँ? ठीक है, तुम ऐसा एड्रेस आज तक किसी ने नहीं बताया, कभी उधर कभी इधर। जूते साफ कर लेते हैं, आ गए। अच्छा ये था भाई मेन गेट, चलो कोई नहीं, बैक डोर से भी होना चाहिए ना, हमारे घर पे भी है भाई बैक डोर। उससे बहुत कांड कर रखे। हाय तरुण बाबू भी पहुंच गए, तरुण बाबू फोटो नहीं खींचे यार तरुण तूने मेरी, बढ़िया बढ़िया, और ना भेजी तूने अभी तक फोटो, नहीं भेजी क्या? नहीं भेजी यार, तूने भेज दे यार, वो DSLR वाली फोटो डाल देंगे एक दो इंस्टा पे। अभी यार वो कैमरे में पड़ गई, निकाल भाई उन्हें। मैंने भी सेम क्वेश्चन बोला था आते ही, जैकेट टांगने की जगह ही नहीं है, सनावर भाई ने जो है बेहिसाब जैकेट ले रखी है, गोदी में लेके बैठ जा। अच्छा शिवानी और है क्या यार ये? नहीं अरे यार गलत बात है, मेरा मन कर रहा था और पीने का। नेक्स्ट टाइम ना मैं स्पेशली रुक जा दोबारा कर ले यार, जब व्लॉग में शूट नहीं हुआ यार, ये भी अच्छे से नहीं किया तूने। तौबा तौबा तौबा, ऊपर ले गया आम की सब्जी बनाई थी ना। हां मैंने एक गिलास पी लिया भाई, बहुत टेस्टी लगा रहा, तो इसलिए मांग रहा था भाई, लेकिन ये है नहीं यार। कोई बात नहीं, शिवानी जो है अलग से बनाएगी कभी, फिर पियेंगे। आम का ही बनता है, मतलब कोई मसाला वगैरह नहीं आता इसका, स्पेशल आम से बनता है। छोड़ने का कोई प्लान है क्या तरुण तेरा? अरे नहीं, गजब खराब व्यवस्था है यार, छोड़ दे यार। चलो भाई अभी डिनर लग गया, डिनर करते हैं, राजमा और चावल बनाए आज भाई। ये गाना बड़ा चला था जब आया था, अभी भी चल ही रहा है खैर। तो भाई अभी छोले चावल तो खा ले भाई। क्या बोला तूने? अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ सही कह रहा है, सॉरी 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 गाइस, सॉरी 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 सॉरी। अबे रुक तो जा भाई। सही कर दूँ तू कर दे सही। हाँ तो भाई मस्त बने थे राजमा, अब तो सही है भाई, मस्त बने थे राजमा चावल विद रायता विद बूंदी, गजब मजा आ गया। क्या बात है? बोल रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। बताया ऐसा थोड़ी यार, तू पहले बोलता है बाद में बताता नहीं, बोल। देखो ऐसे सफाई करते हैं। तो भाई आइसक्रीम आ गई है, अभी सनावर भाई और शिवानी टेस्ट करेंगे और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना? खाओ और बताओ कैसी है। कैसी है? बहुत ही है ना, बहुत ही बढ़िया, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे बहुत अच्छी है, अच्छी है।
तूने पहली बार खाई है? मस्त है यार, बस थोड़ी ज्यादा मीठी है। इसमें कैरेमल का टेस्ट है ना, अच्छा, कैरेमल का ही मुझे सबसे अच्छा लगा था। सही लगी सबको, हम भी खाते हैं। अरे नहीं तो कोई, मुझे टेस्ट करनी थी आप लोगों को एक बार ना। ये चीज ना बांटने से चलो मैंने टेस्ट चेंज कर दिया ना आपका। भाई बहुत सही है, इसमें कैरामल ठूस ठूस के भरा रखा है। तुझे छीन लगी क्या? अरे नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छी है। नहीं मैं कह रहा हूं मतलब तो उल्टी दे दे। और मीठा लगा है, बाकी अच्छी है यार, बहुत सही है। वापस नहीं देते यार एकदम बढ़िया यार। जिनों का डिजाइन मस्त है, बढ़िया डिजाइन है। अभी वॉक पे चलते हैं, तो बस अभी वेट हो रहा है, शिवानी जो है रेडी होके आ रही है, फिर इधर उधर घूमते हैं टहलते हैं, हम सीधे निकल जाएंगे तरुण और मैं। तो कैसे शांत शांत से आया तू? मैं तो घूम घूम के जाऊंगा। और तो जिन्हें पे घूमे गई ऑब्वियसली बात है, सीधे नहीं जाऊंगा। ये वो है क्या बोलते हैं, ये थोड़ा साई है लड़का, मतलब पीछे पीछे बोलता है, कैमरे के सामने आते ही फिर बोलना बंद कर देता है यार। बोला करा थोड़ा सा यार, मतलब थोड़ा सा। तो आप लोग डेली आते हो कैसे वॉक पे? सही है, आप वॉक करना चाहिए, बढ़िया है। हम इधर जाते हैं ना, इधर 2-3 किलोमीटर इधर की तरफ आगे जाके शांत फील हो जाता है। जंगल ही जंगल, जंगल नहीं है, मतलब ऐसा है कि आइसोलेटेड सा एरिया है। और ऐसे अपनी यहाँ तो अपार्टमेंट है ना, अच्छा उधर की साइड है सारे घर, डिटैच्ड घर, बढ़िया बढ़िया सुंदर घर। और पता नहीं व्लॉग में दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन अभी भी आसमान बिल्कुल नीला है, तो शायद दिख तो रहा है हल्का सा। हाँ अभी टाइम हो गया 11:15 है, लेकिन रोशनी है अभी भी हल्की हल्की सी। आ जाओ, घूमते घूमते मेरे अपार्टमेंट में ही पहुँच गए। तो अबे क्या हुआ, व्हाट इज दिस यार, ये बटन दबाना पड़ता है यहाँ पे, मौसम सेंसर नहीं है यार, ये पंगा है इधर, लाइट भाग जाती है, मौसम सेंसर नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है ना। तो अभी जो है सब चले गए अपार्टमेंट दिखाने के लिए, मैं ले आया था उन्हें, तो अब वो भी आ सकते हैं जब उनका मन हो यहाँ पे। ये लाइट के लिए बटन दबाना पड़ता है, जब लाइट जलती है यहाँ पे, बुरा चक्कर है यार।